नमस्कार, ओडिया विद्यालय रे आपनकु स्वागत। आमे वर्तमान जो भावुचु 2024 रे जनरल इलेक्शन ले नरेंद्र मोदी विन किंबा जितिबा बहुत सहज हम, बट से एक्चुअली सहज नुहे। कारण आपण जदि वर्तमान नुआ टीम जो वर्तमान बनेइछंती इंडिया टीम जोटा बोली कहुची, तो से अपोजिशन ले आपण स्वप्नर जहाँ जहाँ कथा भावि नथिले से माने एक्चुअली वर्तमान एकाठी होउछंती केमिति भावरे नरेंद्र मोदी सरकार को किंवा एनडीए सरकार को 2024 रे हरेबे। तो आपण कांग्रेस भितरे केजरीवाल भितरे केबे ताळमाळ देखि नथिले, ममता बनर्जी जेबेठू कांग्रेस छाडीचंती ममता बनर्जी आउ कांग्रेस भितरे केबेठू ताळमेळ देखि नथिले। नीतीश कुमार लालू प्रसाद यादव कथा कहा जाऊ बिल्कुल से भळा कथा थिला, शिवसेना कथा कहा जाऊ उद्धव ठाकरे को रिलेशन कांग्रेस सहित बिल्कुल भल नथिला। बट वर्तमान आमे कहिबा ए सबु दल गोटे प्रकार यूनिट हो जाइचंती केमिति ना केमिति 2024 रे नरेंद्र मोदी सरकार को हरेबे। तेणु एटा वर्तमान जो एक्चुअली इंडिया टीम रो मीटिंग होची, इंडिया इन द सेंस जो माने मिसिकी जो अपोजिशन पार्टी टीम बनेइचंती तांकु इंडिया टीम बोली कहा होची। से इंडिया टीम एक्चुअली केमिति भाबरे सक्सेस हेबे 2024 रे साधारण इलेक्शन ले, तो सेथिपई मुंबई रे होटल हायत रे वर्तमान जो मीटिंग होची बहुत स्ट्रांग डिसीजन नेइचंती केमिति भाबरे नरेंद्र मोदी को 2024 रे हरेबे। कौन कौन डिसीजन लेइछंती? प्रथम कथा तो नरेंद्र मोदी सरकार किंवा एनडीए सरकार वर्तमान पार्लियामेंट रे गोटे बिल किंवा गोटे कमिटी बसेया पई चेष्टा करूछंती, जो कमिटी रे काम हबो कि सी एक्चुअली सबु जिंस तदारख करिवे कि वन नेशन वन इलेक्शन ता माने कौन ना गोटे देश गोटे भोट। आपण प्राय समय देखिथिबे अलका अलका राज्य रे अलका अलका समय रे भोट हुए, प्लस सेंटर रे जो एमपी इलेक्शन हुए से मध्ये अलका समय रे हुए, जहाँफल कि आमर खर्च हो जाऊ किंबा पुलिसिंग सिस्टम किंबा लॉ एंड ऑर्डर हो जाऊ, तो ये सब जिनस कौटी ना कौटी प्रॉब्लम हुए। से कथा एक्चुअली जो मैंने कोविंद साहब जो प्रेसिडेंट थे ये कथाटा को फास्ट उठे थे, तो तापरे विचार विमर्श एक्चुअली बीजेपी सरकार करने अधिका चेष्टा करता, तेणु से जिनसटा को लेकिन नरेंद्र मोदी मोस्ट प्रोबेबली 2024 इम्प्लीमेंट करती इंडिया टीम किंबा अपोजिशन टीम मैंने कहते एक कथा कहुचन जे नरेंद्र मोदी जो तांको सरकार भितरे इन्फ्लेशन बढ़ी कि दरदाम बढ़ी चाकरी कमी करप्शन बढ़ी, नरेंद्र मोदी से सब जिनस को लुचेवा को जाई ये गोटे नुआ प्रकार आम कहीपर प्लानिंग करुचंती जोटा कि एटा डेमोक्रेसी खतरा इन द सेंस आमर जो संविधान रे अछि समस्त को इक्वल पावर दिया जिवो कि आमे कहीपर कौन स्टेट मानक निज निजर पावर दिहब से जिनस को कौटी ना कौटी नरेंद्र मोदी छड़े नौचंती। एक कथा मध्य अपोजिशन पार्टी माने कहिचंती मोदी सरकार कहुचंती कि आम डेमोक्रेसी को स्ट्रांग करेबा बहुत आगो को नेकी जिबा, बट से ही मोदी से ही नरेंद्र मोदी सरकार ए डेमोक्रेसी को एक्चुअली खत्म करुचंती किंबा तळकु नौचंती। तण एक कथा किए कहुची ना अपोजिशन पार्टी माने कहुचंती, सेइतपई कहुचंती आमर वन नेशन वन इलेक्शन आवश्यकता नाही, जहाँ जितेबाला 5 वर्ष पाखापाखी पूरब से मानकर से टाइम इलेक्शन हवाटा ठीक। नेक्स्ट कथा एक्चुअली ए मीटिंग रे जो चंद्रयान 3 रो सक्सेस हला से कथा को लेकिन एक्चुअली इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन तांको एक्चुअली थैंक्स जनइछंती, प्लस आज जो एक्चुअली आदित्य L1 एक्चुअली स्पेस को पठाब जहाँफल कि ये गोटे प्रकार आम कही पारा ग्राविटेशनल फोर्स काम कर इन द सेन्स सूर्य आ पृथ्वी भितर जो एक्चुअली न्यूट्रल पोजिशन से जगार विभिन्न प्रकार आनालीसीस कर ये जी सक्सेस हुए गोटे इसरो को बहुत बड़ गोटे सक्सेस मिल से कथा भी एक्चुअली एम इंडिया टीम मैंने। नेक्स्ट कथा होची वोट शेयरिंग, जदि एते सबू पार्टी गोटे जगार आसिक मिशुचंती तो सेमाने गोटे पार्टी हेकि लढ़े 2024 रे, तेणु कौ सीट किए लढ़ एम भितर एपर्तंत से द्वंद्व लगिक रही गोटे बड़ द्वंद्व कथा कहुची। जदि कौ पार्टी पॉलिटिकल पार्टी कौ जगार लढ़ ठीक नही पारे कि वोट शेयरिंग कौ पार्टी को केते वोट दबा, कारण समस्ते जणे हेकि लढ़ा ना, तेणु वोट शेयरिंग कहार केते रहिब एपर्तंत आम कहीपर ममता बनर्जी किंवा अरविंद केजरीवाल एमाने कोठी ना कोठी कांग्रेस सहित एकमत हो पारि ना, बट हाँ एमाने पार्टी सहित अच्छा पार्टी बाहरी ना इन द सेन्स अपोजिशन पार्टी जो गोटे मिसने सहित अच्छा। जदि आम नेक्स्ट कथा कहींपर नवीन पटनायक प्लस जगनमोहन रेड्डी जो आंध्र सीएम अच्छा, तो एमानकर स्टांस वर्तमान किंवा एमाने इंडिया टीम रे जॉइन करी नाहंती, एमाने एपर्यंत इंडिपेंडेंट अच्छा, ता माने नुहे जे एनडीए रे माने जॉइन करछंती, माने एनडीए रे भी जॉइन कर नाहंती, प्लस आम कहीपर इंडिया टीम रे मध्ये जॉइन कर नाहंती, ये एक्चुअली सेपरेट अच्छा। जो आपण माने प्राय टाइम रे ओडिसा इलेक्शन को लेकिन आप कन्फ्यूज थे, तो ओडिसा इलेक्शन भी से कथा कहीपर कि बीजेपी सरकार जितकी टेनसन अच्छी कि जल्दी इलेक्शन हो कि गोटे
ଦେଶରେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଇଲେକ୍ସନ୍ ହଉ, ବିଜେଡ଼ି ସରକାର ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳିଆ ଟେନସନ୍ରେ ଅଛି, ଆମେ କେମିତି ଭାବରେ କେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ ଭୋଟ୍ କଲେ କିମ୍ବା ଇଲେକ୍ସନ୍ କଲେ ଆମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଅଧିକା ଫାଇଦା ପାଇପାରିବା, ବିଜେପି ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସେଇ କଥା ଭାବୁଛି। ତେଣୁ ଆମେ କହିପାରିବା ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଟିମ୍ ଯେଉଁ ଇଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 13 ଓଡ଼ିଶାରେ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ ଭେଟିକି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଆଲୋଚନା କରାହେବ କି ଓଡ଼ିଶା କେମିତି ଭାବରେ ପ୍ରିପେୟାର ଅଛି ନେକ୍ସଟ ଇଲେକ୍ସନ୍ ହେବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ତ କୌଣସି କନଫର୍ମେସନ୍ ନାହିଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏବେ କିମ୍ବା ମାର୍ଚ୍ଚ ଏପ୍ରିଲରେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ହେବ। ଅଫକୋର୍ସ ଭିଡ଼ିଓ ରଖିବି, ବଟ୍ ଏଇଥିରେ ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ କ'ଣ ରହିବ, ଯଦି ଭାରତ ଆକ୍ଚୁଆଲି କଷ୍ଟ କଟିଂ କରିବା ପାଇଁ ୱାନ୍ ନେସନ୍ ୱାନ୍ ଇଲେକ୍ସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଏଇଟା ଠିକ୍ ୟା ଫିର୍ ଭୁଲ? ଯଦି ଠିକ୍ ତ କ'ଣ ପାଇଁ ଠିକ୍? କାରଣ ଆମର ଡେମୋକ୍ରେସି ଅଛି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପାୱାର ଦିଆହେବ କି ତାଙ୍କ ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ଭୋଟ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଦୁଇ ପ୍ରକାର କଥା ରହୁଛି, ପଇସା କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ, ଏପଟେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଡେମୋକ୍ରେସି ପାଇଁ ଟିକେ ଖରାପ ସିଚୁଏସନ୍ ଆମେ ଫେସ୍ କରିପାରିବା ଯଦି ୱାନ୍ ନେସନ୍ ୱାନ୍ ଇଲେକ୍ସନ୍ ହେବ। ଭିଡ଼ିଓ ରଖିବି, ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ପର୍ସନାଲ୍ ମତାମତ ଲେଖନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ରଖୁଛି, ନମସ୍କାର।